गाइस, जैसा तुम्हें पता होगा कि भाई कल होली है। मतलब बेसिकली अगर 12 बजे मान लिया जाए तो कल है, क्योंकि अभी मतलब रात हो रही है, अराउंड 1 o'clock हो रहा है। और तो मेरे एकदम से माइंड में ये आइडिया आया कि मैं तुम लोगों को अपने होली का दिखाता हूँ, मैंने क्या क्या रख रखा है, मतलब मैं क्या क्या सामान ला रखा हूँ। सो पहले उनकी फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रही उनकी फ़ोटो, देखा है, बढ़िया है। चलो अब एक एक चीज़ को हम पूरे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखो, ये तुम्हें क्या लग रहा है भाई? ये प्रॉपर वाला गुलाल है, होममेड गुलाल है भाई, ये मैंने खुद बनाया, ये मैंने लिटरली खुद बनाया। अगर तुम्हें बनाना है बस पाउडर लो, उसमें पानी मिला के कलर ऐड कर, पेंट वेंट तुम डाल सकते हो तो उसे तुम बना सकते हो जैसे मैंने ये बनाया। तो ये देखो, मैं इसे भी लगा के दिखाता हूँ, देखो। और इसे तुम्हारी स्किन को लिटरली कोई डैमेज नहीं होगी भाई, पाउडर तो हमारी स्किन के लिए उल्टा बहुत अच्छा होता है, और पानी से भी हमारा जो फेस होता है वो ज़्यादा ग्लो करता है। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना है और बाहर के गुलाल को नहीं यूज़ करना है, तो तुम इस टाइप का गुलाल बना सकते हो, या फिर अगर तुम्हें बिल्कुल लाइट मोमेंट पर चाहिए तो इस टाइप का बना सकते हो, मैदा मैदा पाउडर प्लस पानी प्लस कलरिंग। अगर तुम कलरिंग नहीं भी डाल सकते हो तो तुम्हारा वाइट कलर का गुलाल बन जाएगा, ठीक है? सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहली चीज़ है हमारे पास, एक संदूक। सबसे पहले ताकि मेरी स्किन इतनी ज़्यादा गंदी ना हो, शक्ल की मुझे भी नहीं पता क्यों ले लिया, पर बस ले लिया मैंने फालतू बनने के लिए, टाइम पास के लिए। फिर मैंने ये बाल लिया जीप से, इन्हें भी मैं पहन के दिखाता हूँ। मतलब मैं गया, मुझे अच्छे लगे तो मैं ले आया। अब देखो तुम जोकर को देखने वाले हो। और इसे भी उतारते हैं। अब आके हमारे पास आता है ये वाला सिलेंडर, ये सिलेंडर, इसको बेसिकली मैं बताता हूँ, इसके अंदर की ये पिन खींच देंगे और फिर हम ये बटन ऐसे दबा देंगे तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ना कलर निकलेगा, गुलाल टाइप उड़ता हुआ। अगर आपने छत पे कर दिया ना तो पूरी छत आपकी बढ़ जाएगी। हमने ट्राई कर रखा है और इस बार येलो करेंगे। अगली मैं चीज़ लाया हूँ, ये कोई चीज़, इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा ये क्या है। ये देखो भाई, इसमें ऐसा कुछ है, इसको आपको टेप हटानी है, इधर आपको आग लगा देनी है इसमें माचिस से, और फिर ऐसे कुछ तरीके से बड़े सारे कलर्स एक साथ निकलेंगे, ठीक है? फिर मैं 5 ये वाले पैकेट्स ले आया हूँ बलून्स के, ये सबसे सही रहते हैं, आपको बार बार फुलाने नहीं पड़ते। और मैं कल 5 और ले आऊँगा कम से कम, क्योंकि बलून्स तो मैं पता ही है सबसे मेन चीज़ है होली की। फिर मेरे पे एक ही पिछले साल का गुलाल का पैकेट पड़ा था जो कहीं पे, और फिर मैं 4 नए पैकेट्स ले आया गुलाल के, अलग अलग कलर सारे। ये कोई हर्बल को हर्बल गुलाल है, ठीक है, ये मैं लाया हूँ 4 पैकेट इसके, तो इन टोटल मेरे पे 5 गुलाल के पैकेट पड़ रहे हैं। फिर मेरे पे एक मैं स्प्रे ले आया हूँ, ये बड़ा वाला स्प्रे है, इसका प्राइस 120 था, ये मैं ले आया हूँ, एक पिंक कलर का स्प्रे, स्नो टाइप का ना, ठीक है। उसके बाद हम एक ये तुम्हें बताता हूँ मैं, ये एक बड़ी अजीब चीज़ है, मतलब जैसे तुम मैं अगर कोई क्लब व्लब गया, पब वब गया कोई, एक ऐसी गन आती है जिसमें से ना ऐसे ना स्पार्क्स निकलते हैं आगे से, और तुमने देख रखा होगा, तो मैंने एक वो खरीदी है, लेकिन उसमें स्पार्क्स भी निकाल सकते हो और आप कलर्स गुलाल टाइप भी उड़वा सकते हो, ठीक है? अब इस साइड पे जितना मेरा सामान था उसमें लास्ट चीज़ तुम ये देखो, मैजिक ग्लास। तुम कहोगे भाई क्या है इसमें ऐसा, तो भाई इसमें कुछ नहीं है, अगर मैं यहाँ से इसमें नॉर्मल प्लेन पानी डाल दूँगा ना नॉर्मल, उसका कलर अंदर जाके चेंज हो जाएगा, क्योंकि अंदर यहाँ पे आपको जो डॉट्स दिख रहे हैं उनमें कुछ ना इनका वो डला हुआ है कलर्स। तो नॉर्मल पानी डालो, इसमें कलरफुल पानी आ जाएगा, और इसको ऐसे सामने वाले पूछ दो 5-6 बार, एक बार ये एक गिलास चल जाता है। प्राइस था 50 रुपीज़, जो शायद थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि भाई मतलब वैसे ज़्यादा नहीं है, पर जैसे ये गिलास 5 से 10 रुपये का आता है, और अगर मैं थोड़ा सा कलर भी ले लूँ तो इतना नहीं होना चाहिए, है ना? सो अब हम आते हैं
ये सब सामान था हमारा मेन होली के दिन को। और दो पिचकारियां मुझे दिखाऊंगा, वो मेन होली के है, मतलब परसों का। अभी कल जो हमारा 7 फरवरी है उसके लिए भी हमारे पास थोड़ा सामान है, 3 चीज़ें हैं टोटल। जिसमें मैं बताऊँगा, मेरे पास 2 डॉगीज हैं तो खेलने के लिए मैं एक से एक पिचकारी लाया हूँ, ठीक है। ये पिचकारी मैं अपने लिए लाया हूँ, और ये एक और पिचकारी मैं अपने लिए लाया हूँ। तो हाँ, ये 2 पिचकारियाँ हो गई और वो सारा हमारा स्टफ हो गया। इट वॉज ऑल ऑल आई हैड फॉर होली। और कल 5 गुब्बारे के पैकेट्स और ले आऊँगा, तो इन टोटल भाई मेरे पे 1000 गुब्बारे हो जाएंगे, सही है। तो हाँ गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अगर होली के दिन मुझे बाई चांस टाइम मिलता है, और अगर मैं कहीं जा ना रहूँगा, घर पे होऊंगा, सो आई विल ट्राई टू मेक अ व्लॉग एंड गिव द होली व्लॉग नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, लेट्स गो, हैप्पी होली।